20 लाख लेकर दीपक ठाकुर ने बिग बॉस छोड़ने का किया फैसला। शो खत्म होते ही हाथ लगा ये बड़ा प्रोजेक्ट। बिग बॉस सीजन 12 का ताज दीपिका कक्कड़ अपने नाम करने में कामयाब रही। दीपिका ने श्री संत को पीछे छोड़कर खिताब जीता। दीपिका और श्री संत के बाद टॉप 3 की लिस्ट में दीपक ठाकुर रहे। सलमान ने तीनों को मौका दिया कि वो पैसे लेकर शो छोड़ सकते हैं, जिसके बाद दीपक ने 20 लाख रुपए लेने का फैसला किया। घर से निकलने के बाद दीपक ने अभी तक की जर्नी के बारे में मीडिया से बात की। दीपक ने कहा कि दीपिका और श्री संत दोनों पॉपुलर चेहरे हैं, ऐसे में जाहिर है उनके फैंस भी ज्यादा हैं। मेरे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, घर की जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। ऐसे में जैसे ही बिग बॉस ने पैसे लेकर शो छोड़ने का ऑफर दिया तो बिना सोचे समझे मैंने बजर बजा दिया। मैंने बहुत पहले ही ये फैसला किया था, अगर फाइनल में ऐसा कोई ऑफर आता है तो शो छोड़ दूंगा। दीपक ने आगे कहा कि मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है, आगे जो भी मौके मिलेंगे मैं उसमें अपना टैलेंट पूरी मेहनत के साथ दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है मेरे गाने और मेरे टैलेंट से कई मौके मिलेंगे। बता दें कि दीपक ठाकुर के शो छोड़ने के फैसले को सलमान ने भी सराहा है। अगले साल के प्लान के बारे में दीपक ने बताया कि अब वो कलर्स के ही शो खतरों के खिलाड़ी करने वाले हैं। निश्चित रूप से बिग बॉस के बाद दीपक के हाथ ये बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। बता दें कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 अगले साल 5 जनवरी से शुरू होगा, जिसे फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी होस्ट करेंगे। दीपक ठाकुर ने फिनाले में सोमी खान के साथ रोमांटिक गाने ओ रे प्यारे पर डांस किया। दीपक ठाकुर ने ये गाना खुद गाया। इस गाने के दौरान दीपक ठाकुर और सोमी खान की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिली। बता दें कि शो के दौरान दीपक कई बार सोमी के सामने अपने प्यार का इजहार कर चुके हैं।